और आइए आपको बड़ी खबर बताते हैं सुल्तानपुर से, जो खबर सामने आ रही है लगातार चुनाव प्रचार के दौरान किस तरीके से बयानबाजियां की जा रही है। संजय निषाद की तरफ से कहा गया समाजवादी पार्टी को लेकर के शराब पिला करके लोगों को सुला देने का काम करती है। 5 साल तक अगर आपने वोट किया समाजवादी पार्टी को तो सोचिए 5 साल तक ये वोट खराब करने वाली पार्टी हो जाती है। सपा राज में यूपी में जंगल राज है। संजय निषाद की तरफ से कहा गया समाजवादी पार्टी शासन में दंगाइयों का बोलबाला था। संजय निषाद ने यह भी कहा है योगी सरकार में राम राज स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश में जब सत्ता परिवर्तन हुआ योगी सरकार आई तो राम राज लेकर आई। सुनाते हैं संजय निषाद ने क्या कहा सुल्तानपुर में। जनाब डॉक्टर संजय निषाद, निषाद पार्टी के मुखिया हैं, बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और अपने बयानों के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। सुल्तानपुर में चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो उनके बोल बिगड़ गए। मतदाताओं के बारे में कह दिया कि पौवा पीकर सब कुछ भूल जाते हैं और वोट लेने वाला 5 साल बर्बाद कर देता है। संजय निषाद के निशाने पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी थे। समाजवादी पार्टी को आतंकियों का संरक्षक कहा और बीएसपी को वोट देने को पाप के बराबर बता दिया। लोगों के दिमाग बहुत खराब है, 6 महीने में भुला जाता है, इसे पौवा पिला दिया जाता है और सुला दिया जाता है, इसका वोट फटकर इन्हें फिर 5 साल बर्बाद किया जाता है। सपा ने तुम्हारे भाई अखिलेश निषाद की हत्या कराया कि नहीं कराया? वो दर्द हमें पता है, कितना साइकिल ने सताया है। वोट ले लो 5 साल खाली, अपने चंगू मंगू को देखो, जितने वो बंदूक चलाने वाले आतंकवादी हैं, जितने बदमाश है, जितने अपराधी है, उन्हें संरक्षण दे दो, ये उनका काम था। हाथी बटन दबाना महापाप है और कमल दबाकर पुण्य कमाना आपका काम है। जे जालीदार वोटे के मालिक बनल है कि कुल मुसलमान हमार है, तो एक तो जो गणना होता कि 80% वोट हमारा है और 20 में बंटवारा है। 80% वोट, 80% वोट, 20 में बंटवारा, 20 में। सीएम योगी आदित्यनाथ के सुर में सुर मिलाते हुए अब संजय निषाद ने भी 80-20 का राग अलापा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।